आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें पूरे दिन भर संभाला और हमारी रक्षा हिफाजत की। हर एक खतरे मुसीबतों से, हर एक दुर्घटना से परमेश्वर ने हमें बचाया। तो आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसके जीवित वचन से पढ़ें। नीति वचन 3:13-14 पद में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ को प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी, उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। आमेन। सच में परमेश्वर धन्य है जो हमें बुद्धि देता है, कि हमें बुद्धि हर मार्ग में हमारी सहायता मदद करती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है हर एक कार्य को करने के लिए। तो आइए इस वचन के अनुसार हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। और जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और जितने भी भाई बहन हमें फोन कॉल्स करते हैं, उन सब के लिए भी हम दुआ फोन कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप में, उन सब के लिए भी हम दुआ करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से दुआ करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें दिन भर संभाल के रखा प्रभु, हर एक दुर्घटना से बचाया प्रभु, हमारे प्राणों को जीवितों की पृथ्वी पर प्रभु जीवित रखा प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अच्छे हैं, आप भले हैं प्रभु, और आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता। धन्यवाद कि आप दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, चंगा करने वाले परमेश्वर है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे प्रभु आपके जैसा कोई नहीं परमेश्वर पिता। हम हर एक के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक जन को तेरी उपस्थिति में रखते हैं प्रभु, कि हर एक के जीवन पर प्रभु तेरा आशीष हो, तेरी बरकत हो परमेश्वर। हर एक को प्रभु जी आप अच्छा स्वास्थ्य दें प्रभु जी, हर एक को दुष्ट की युक्तियों से बचाएं प्रभु, हर एक खतरे मुसीबतों से बचाएं, बीमारियों से बचाएं परमेश्वर पिता प्रभु। हर एक के परिवार को तेरे लहू में ढांपते हैं प्रभु, आप प्रोटेक्ट करें प्रभु इवल स्पिरिट के प्रभु अटैक से परमेश्वर, हर एक को आप प्रोटेक्ट करें प्रभु जी। यदि कोई बीमार है तो यीशु मसीह आपसे प्रार्थना है कि आप उन्हें चंगा करें परमेश्वर पिता। हर एक दर्द यीशु के नाम से चला जाए प्रभु। हर एक के परिवार में आप सुख समृद्धि और आशीष दें प्रभु जी, उनके मनोरथों को आप पूरा करें प्रभु। परिवार में प्रभु छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु हम तेरे नाम से उन्हें ब्लेस करते हैं प्रभु जी। उनके प्रभु कारोबार में परमेश्वर तेरी आशीष को देते हैं प्रभु, उनकी कमाई पर तेरी आशीष को बोलते हैं प्रभु, उनके प्रभु हर एक क्षेत्र में प्रभु हम तेरा आशीष बोलते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जी पिता, कि जो लोग प्रभु अपने जीवन में राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं प्रभु, बहुत सारे डिसीजन को लेने में कंफ्यूज होते हैं परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना है प्रभु कि आप उनके जीवनों में कार्य करें पिता परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी बुद्धि को प्रभु आप उन्हें दे परमेश्वर पिता, हर एक मार्ग में चलने के लिए प्रभु आप उन्हें अपनी बुद्धि प्राप्त बुद्धि को दें परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप प्रभु जी हर एक को प्रभु, जो बच्चा पढ़ाई करते हैं प्रभु, जो अपने टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं प्रभु, उन्हें भी आप अपनी बुद्धि को दें परमेश्वर पिता। अपने वचन के अनुसार आप उन्हें बुद्धि दें परमेश्वर पिता, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति से ही हमें लाभ होता है प्रभु। धन्यवाद आपके वचन के अनुसार आप हर एक को अपनी बुद्धि दें प्रभु, हर एक कार्य क्षेत्र में प्रभु उन्हें बुद्धि दें परमेश्वर। उनके जीवन में कोई परेशानी आए प्रभु, उस परेशानी से लड़ने के लिए आप उन्हें बुद्धि समझ और ज्ञान से भरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता कि आप परमेश्वर बुद्धि देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आपका वचन कहता है यदि जिस किसी को बुद्धि की घटी है वह परमेश्वर से मांगे, वह बिना उलहाना दिए सबको उदारता से देता है प्रभु। धन्यवाद आपके इस वचन के लिए, आप हर एक को अपनी बुद्धि और बुद्धि से भरे परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, यदि कोई अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है प्रभु यीशु, आप उसको उसके बिजनेस को बढ़ाने में प्रभु बुद्धि समझ और ज्ञान दे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता। हम प्रार्थना करते हैं आप लोगों को हैंडल करने में प्रभु जी हर एक की सहायता और मदद करें, उसमें आप अपनी बुद्धि समझ और ज्ञान उन्हें दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में दिया प्रभु, और इस वचन को हम हर एक के जीवन में क्लेम करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जो रात को सो नहीं पाते हैं प्रभु, आप उन्हें मीठी और अच्छी नींद दे प्रभु। हर एक को आप मीठी और अच्छी नींद प्रदान करें, क्योंकि नींद भी यहोवा के ओर से होती है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया।